सुशांत सिंह राजपूत केस में कई ऐसे बड़े डायरेक्टर ने कुछ बड़ा खुलासा किया है, जिसके चलते उन सभी डायरेक्टर पर निगाहें बनी हुई थी सीबीआई की, मुंबई पुलिस, पटना पुलिस और ईडी की, जिनसे कई बार पूछताछ भी की गई। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह केस को लेकर रोज कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहाँ पे विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके कि किसी ने सुशांत को धमकी दी थी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें, जहां पर अब खबर सामने निकल कर आई है कि विवेक अग्निहोत्री ने अपने शेयर किए पोस्ट में पुरानी घटना के बारे में बात करते हुए कुछ बड़ा दावा किया है, जहां पर वो कहना चाहते हैं कि एक स्टार ने सुशांत सिंह राजपूत के करियर को खत्म करने की धमकी दी थी। हालांकि विवेक ने इस स्टार का नाम गुप्त रखा है और अपने इस पोस्ट में जिक्र तक नहीं किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक बार एक फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत की बहस एक एक्टर से हुई थी, जिसे एक स्टार ने लॉन्च किया था। इसके बाद उस स्टार ने सुशांत को करियर खत्म करने की धमकी दी थी, जैसे उन्होंने दूसरों लोगों का कर दिया। रिया केवल एक मुखौटा है, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कुछ बेहद पावरफुल लोगों को बचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फार्म हाउस वाला किस्सा आपको याद ही होगा कि किस प्रकार से सूरज पंचोली और सुशांत सिंह के बीच लड़ाई हुई थी। वहां पर मौजूद थे सलमान खान, और सलमान खान ने ही सूरज पंचोली को डेब्यू करवाया था बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि उनको लॉन्च किया था। तो ऐसे में जब सूरज पंचोली की सुशांत सिंह से लड़ाई हुई थी, तो सलमान खान ने धमकी दी थी सुशांत सिंह राजपूत को कि वो उनको बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में टिकने नहीं देंगे। तो विवेक अग्निहोत्री की इस पोस्ट से जाहिर होता है कि उस दिन के जो वाक्य घटनाक्रम को लेकर लोग अभी तक कहानियां बना रहे थे, वो हकीकत में हुआ था। यानी कि सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को धमकी दी थी, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। तो विवेक अग्निहोत्री की इस पोस्ट से साफ होता है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे माफिया मौजूद हैं जिनको मुंबई पुलिस मिलकर बचाती भी दिखाई दे रही है, और उन बड़े नामों का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। और रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरे के रूप में सामने लाई गई हैं, जिसके चलते लोग उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ये सोच रही हैं कि आने वाले समय में वो बड़े नामी ग्रामी चेहरे उनका करियर संवार देंगे, लेकिन शायद रिया चक्रवर्ती की ये बड़ी गलतफहमी होने वाली है। तो ऐसे में विवेक अग्निहोत्री का ये बड़ा दावा सभी को हैरान कर रहा है। बताया दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग्स के चलन और ड्रग्स माफिया के ऊपर भी बोले थे। उन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन आम सा हो गया है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के साथ बॉलीवुड में कई तरह की बुराइयां पैर जमा चुकी हैं, और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में गलत और गैरकानूनी काम होते हैं। विवेक की तरह कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड में ड्रग माफियाओं के बारे में खुलकर बात रखी थी। तो दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री द्वारा बड़ा खुलासा ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटाने का पूरा प्लान तैयार था। लेकिन सुशांत सिंह के पास भी अपने फ्यूचर का प्लान तैयार था, लेकिन कामयाब यहाँ पर वो हुआ जिसने अपने अपराध को अंजाम दिया। नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट।